हमेशा की तरह गड़ी राणा कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है। इस साल भी उन्होंने 4 ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट प्लान किया है, जिसमें से फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स जो ऑलरेडी चालू है, उसके बाद FFIC स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसके साथ एक वर्ल्ड सीरीज भी होगा। अब वर्ल्ड सीरीज खत्म होने के बाद फिर से साइकिल रिपीट होना शुरू करता है, जहां पे फ्री फायर प्रो लीग समर देखने को मिलता है, अगेन एक FFIC फॉल आपको देखने को मिलेगा, अब फॉल के बाद फिर से एक और वर्ल्ड सीरीज देखने को मिलेगा। आई थिंक ये वाला जो सीन है आप लोगों को बहुत लोगों को पता है, क्योंकि ये सेम सीन बहुत दिनों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो हर साल ही होता है और भाई इसमें स्पेशल क्या है। अब स्पेशल ये है कि इनका ओवरऑल प्राइस पूल 2.7 करोड़ रुपीस का होने वाला है। अब आप ये सोचो 2.7 करोड़ रुपीस कोई कम अमाउंट नहीं है, और ऐसे नहीं, मैं आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन बताता हूं। तो 2 FFIC का प्राइस पूल होने वाला है 1 करोड़ रुपीस। जी हां, पहले आपको 75 लाख रुपीस का FFIC होता हुआ देखने को मिलता था, तो इस बार गरीना ने 1 करोड़ रुपीस का FFIC स्प्रिंग होता हुआ देखने को मिलेगा, और एक और फॉल होता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी 1 करोड़ रुपए का होगा। अब जो फ्री फायर प्रो लीग विंटर और समर है वो दोनों 35 लाख का होगा, ये जो चल रहा है वो 35 लाख का ऑलरेडी हो रहा है, और एक और आपको समर देखने को मिलेगा, वो आपका डेट जो है वो रिवील जरूर से ना आगे कर देंगे, वो भी 35 लाख का होगा। तो देखा जाए तो इस साल मौके की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये गरीना ने एक और चीज कहा है कि कम्युनिटी के लिए स्पेशली फोकस्ड टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं, जहां पे वो जो ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स एस्पिरेंट्स जो आगे आना चाहते हैं एंड कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ हमेशा वो करते रहते हैं, तो वो कम्युनिटी के लिए इस बार कुछ ना कुछ करेंगे। सो यस, 2022 अगर कहा जाए तो बहुत कुछ आगे आके गरीना करने वाली है फॉर द कम्युनिटी। तो बात यह है कि प्राइस पूल हमेशा हम बोलते हैं सेकेंडरी चीज है, बट ये आप सोचो कि ये सब चीजों को देख के आपके पेरेंट्स, आप खुद एज एन ई-स्पोर्ट्स एथलीट कितने ज्यादा मोटिवेट फील करोगे, यार अब तो करना है, अब तो गरीना भी आगे आके इतना कुछ कर रहे हैं। एंड सिर्फ गरीना ही नहीं, अभी तो आप लोगों ने इतने सारे थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स का रोड मैप तो सुना भी नहीं होगा, एंड हमें भी शायद अभी तक कोई आइडिया नहीं होगा, बट ऑलरेडी जो वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप में इंडिया टुडे ने किया है, ऐसे और भी क्वालकॉम की तरह, जैसे पिछले साल क्वालकॉम के 2 सीजन हुए थे, ऐसे और भी ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स आगे आ रहे हैं। ऑलरेडी आप स्काई ई-स्पोर्ट्स का प्रो लीग देख पा रहे हो, पेंटा का एमेच्योर लीग देख पा रहे हो, उसके साथ साथ विलेज स्पोर्ट्स का विंटर मास्टर्स देख पा रहे हो। तो ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स आगे आ रहे हैं, गरीना खुद इतना आगे आ रहा है, आप लोगों को आई डोंट थिंक कि आपको एक्सक्यूज की जरूरत है कि यार हमें मौका नहीं मिलता। एक चीज तो आप पकड़ के चल लो कि 2022 में आप लोगों को मौके की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आपको अपना फोन उठाना है, आपका ग्राइंड चालू रखना है, आपको एक टीम बनाना है एंड प्रॉपर वे में रोड मैप फॉलो करना है, बस आप लोग पहुंच जाओगे। एंड बहुतों के लिए, जो लोगों ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, उन लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि अच्छा मौका है कि आप लोग भी शुरू करें और जरूर से अपने आप को ये सब टूर्नामेंट्स में खेलते हुए पाए। एंड मैं तो आप लोगों के साथ हूं भाई, ताकि आप लोगों को टाइम टाइम पे नो कम्युनिटी के बारे में बता सकूं, कुछ ई स्पोर्ट्स के एनालिसिस लेके आऊं। आप लोगों को जो भी हेल्प है जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों को क्या क्या हेल्प की जरूरत है, मैं जरूर से कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सके, मैं आप मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँ टूवर्ड्स द कम्युनिटी। सो दैट्स इट, एंड आई फील कि अब देर किस बात की, फोन उठाओ, तैयारी शुरू करो, ग्राइंड करो, एंड ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को इसके बारे में अभी भी आइडिया नहीं है। इसके बारे में डिटेल चीजें गरीना जरूर से रिवील करेंगी। जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, मैंने ऑलरेडी बोला है 1K लाइक का गोल है इसका, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम 5K सब्सक्राइबर्स के बहुत पास आ चुके हैं। टिल देन मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्टे सेफ गाइस।